हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं DSR फॉर यू में दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। देख लीजिए, आपके जो तिमाही परीक्षा है उसमें ये जो ब्लूप्रिंट है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें संस्कृत के प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ और पंचम पाठ, चौथा पाठ नहीं लिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवें पाठ से प्रश्नोत्तर पूछे जाने हैं। अब आपका जो संस्कृत का पेपर में कॉमन सी एक बात है, ये तो हमेशा ही रहता है, कंपलसरी निबंध आएगा लिखने के लिए। तो मैंने बताया है महाकवि कालिदास, मम पाठशाला, संस्कृत भाषा महत्व, ये तीन निबंध आप तैयार कर लें। आवेदन पत्र, तो शुल्क मुक्ति के लिए त्रिदिवस अवकाश, मतलब 3 दिन की छुट्टी, और निमंत्रण पत्र, ये आ सकता है निमंत्रण या आमंत्रण पत्र। फिर तीसरा प्रश्न हो सकता है ये, मतलब ये ऐसा पैटर्न कॉमन है, ये हर साल आता है। श्लोक आते हैं लिखने के लिए जो प्रश्न पत्र में ना हो, उनसे हटके कोई दो श्लोक लिखने रहते हैं। हमारे टाइम पे बच्चा सूक्तियाँ भी आती थी आपके लिए, हालांकि सूक्तियाँ नहीं पूछी जाती, जब हम पढ़ते थे तब सूक्तियाँ भी आती थी। फिर प्रश्न चौथा, संधि विच्छेद, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, ये सब आ सकती, ग्रामर। पांचवा, एक पदयन उत्तर, फिर गद्यांश पद्यांश, रिक्त स्थान और अपठित गद्यांश। इस प्रकार ये कुल 8 टाइप का पैटर्न में आपका प्रश्न पत्र आता है। तो देखते हैं हम इनके कुछ उत्तरों के साथ में। निबंध रचना की सबसे पहले हम बात करें तो अस्माकम विद्यालय का निबंध ये है आपके लिए। अस्माकम विद्यालय और मम पाठशाला एक ही चीज़ है। देखें, इस निबंध की शुरुआत में मम पाठशाला से हुई है, तो यदि मम पाठशाला आ जाए तो मम पाठशाला, अस्माकम विद्यालय आ जाए तो अस्माकम विद्यालय। इसके बाद संस्कृत भाषा या महत्व, तो ये पूरा लिख देना है आपको इस तरीके से, संस्कृत भाषा महत्व। बच्चों, संस्कृत में हलंत, उपसर्ग, विसर्ग, जो भी जहां जैसा लगता है उसका विशेष ध्यान रखें। फिर महाकवि कालिदास का भी देख लेना, महाकवि कालिदास वैसे आता ही आता है, संस्कृत भाषा महत्व आता है और ये अनुशासनम आता है, मगर मैंने फिर भी ये 3 निबंध निकाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी निबंध रचनाएं। अब आवेदन पत्र की बात की जो की थी हमने, तो देखिए, प्राचार्य को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, तो ये अवकाश प्रार्थना पत्र आपके सामने है, इसको आप देख लें बहुत अच्छे से। यहाँ पर जो आपके नगर शहर का नाम है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। कैसा लिखना है? जो आपका नगर है, शहर है, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर भिंड नगरम लिखा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। फिर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भी आ सकता है, छात्रवृत्ति के लिए इस तरीके से देखें आप, ये माननीय प्राचार्य महोदय, यहाँ पर भी रहली नगरम लिखा हुआ है तो आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आप का शहर है उस तरीके के शहर का आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप का देखें जो प्रश्न था, इसी अवकाश प्रार्थना पत्र आपको जो गाइड वगैरह आती हैं उसमें भी पूरा पैटर्न दिया रहता है। देखें, इसी पत्र लेखन के ठीक ऊपर आपके लिए जो श्लोक वाला जो प्रश्न था, जो मैंने बताया था कि श्लोक पूछा जाता है, तो उसका भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, 2 निबंध लिखे हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुचा, ये पूरा लिखा है, ये 2 श्लोक हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा या आपको जो लगे वो तैयार कर लीजिएगा। अब अपठित गद्यांश जो पूछे जाते हैं, तो जैसे ये लिखा है, शरीर धर्म से प्रथमम साधनम अस्ति, ये वाला अपठित गद्यांश इसको कर लीजिएगा, ये अच्छा है, मज़ेदार है, ये भी अधिकतर पूछा जाता है, पहला वाला निकला। फिर संस्कृत भाषा अस्माकम देशा, प्राचीन भाषा, ठीक है ये भी, संताम सज्जनानाम, ये भी देखिए 2017-14-11 में पूछा गया है, तो इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला वाला देख लीजिएगा आप, और ये सा वाला इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक और देख ले हम, ये देखिए सा वाले के उत्तर तो ये हैं। फिर ये दा वाला, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ बुद्धि वसति, ठीक है, वो 2 आपका तैयार कर लीजिएगा, पहला वाला और सा वाला, ठीक है, इन 2 को तैयार कर लीजिएगा। ये भी है इम्पोर्टेंट हालाँकि, मगर मैंने यहाँ 4 रहे मेरे पास जो गाइड थी उसमें, तो मैंने 4 दे दी आपको। आगे हम देखेंगे। अब बारी आती है बाकी पोर्शन की, पहला, दूसरा और आपका जो 8वां प्रश्न था लगभग वो मैंने करा दिया यहाँ पे, ठीक है, और तीसरा करा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां प्रश्न मैंने आपको करा दिया। अब बाकी जो बचा ये आपका है बुक से आने वाला, तो बुक में देख लें आप, ये अध्याय 1 से ये पूरे प्रश्नोत्तर अब यहाँ से निकलते जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्पीड में निकलेंगे। यहाँ पर पूरे प्रश्न दे दिए हैं आपके, जो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय और 5 अध्याय आना है, उन्हीं के पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं ये, इन्हीं से पूरा पैटर्न आना जाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा। आपको वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पे इतना सारा मटेरियल है मुझे बताने के लिए कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता बच्चों, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट में निपटाया है। देखिए, ये पूरा दिख रहा है, ये हम आपके जो प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति आराधना, उत्तराणी ए वो होगा इसका, इसमें आपका जो अब जो चल रहा है इसमें पूरा मैंने आपकी ग्रामर, क्वेश्चन आंसर, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, जो कुछ है सब कवर कर दिया। जैसे इसमें देखिए, समास विग्रह करना है, ठीक है, मलेन सहितम, तो ये पूरा कौन सा समास रहा ये सब
देख लीजिएगा, हरित रूपाण ललित नाम नवमालिका ध्वज सुख संदेशम, ये पूरा है। फिर पर्यायवाची पद लिखना है तो सलिलम का जलम हो जाएगा, आम्रम का रसालम, वनम का कांतरम, ये पूरे उत्तर भी लिखे हुए हैं। फिर देखिए विलोम पद लिखना है, सुकरम का दुष्करम, दूषितम का निर्मलम, निर्मलम का मुंचति, दानवाय का दूषितम, मानवाय शांत, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर एक पद उत्तयन, सर्वदा कार्य सुखा बलवती तो बुद्धि होती, व्याघ्र अकस्मात विभूति तो मानुषात प्रत्युन्मति बुद्धिमती, ये पूरा दिख रहा है बच्चों, देख लीजिए संस्कृत थोड़ा पढ़ने में दिक्कत जाएगी। जितने यहाँ पे प्रश्न उत्तर हैं इन सबको आप तैयार कर लें, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे पहली चीज़ तो यदि आपके पास पढ़ने के लिए कोई भी गाइड वगैरह नहीं है तो आपके जो अध्याय एक से ले दो तीन और पाँच रहे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया संस्कृत का चैप्टर 1, 2, 3 और 5। यहाँ पे ये जो वीडियो मैंने दिया है इसमें सारा का सारा आपका कवर हो गया है, उससे जुड़े जितने भी संधि समास लकार रिक्त स्थान सही जोड़ी और प्रश्नोत्तर थे एक वक्त, देखिए संधि विच्छेद पितृग्रहम एक एक और ये पूरा लिखा हुआ है, अन्योपि इतिविक्ता यत्रास्ते दर्दस जगात्ययो, ये क्या लिखा हुआ है ये पूरा देख लें आप, इसमें पूरा उत्तर आ रहा है, दर्दस का दृष्टवान हो गया, इस प्रत्यय लगाना है इसमें, ठीक है। फिर पर्याय पद लिखना, वनम का हो जाएगा काननम, श्रृंगाला का जम्बुकम, शीघ्रम का सत्वरम, पत्नी का भार्या, गच्छसी का यशी। इसमें विपरीत पद लिखना है, प्रथम का हो जाएगा द्वितीय, उक्त्वा का हो जाएगा श्रुत्वा, अधुना का तदा, अवेला का वेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमती। एक पद है उत्तर, देखिए काश्य मास्यम स्त्र भवती सदा का पथ्या कह पुभि सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्यः, ये पूरा लिखा है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसी से आपका पूरा पेपर डिजाइन होना है। YouTube में बहुत सारे पेपर वायरल हो रहे थे जिसके चलते YouTube में अब पेपर आपको नहीं देगा कोई, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर इस तरीके से शैक्षणिक स्तर बहुत गिर रहा है बच्चों का, अगर आपको सीधे सीधे हराम का खाने मिलेगा, कहने का आशा है मेरा, तो उससे क्या होता है बच्चों, हमारा जो शैक्षणिक विकास है वो रुक जाता है। इसलिए कृपया कर अपनी तैयारी अवश्य रखें, मैंने हर वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि कृपया अपनी तैयारी रखें, कभी भी किसी यूट्यूब के भरोसे ना रहें, हम लोग आपकी मदद करते हैं, ये हमारा काम है, मगर आपका अपना काम होना चाहिए कि हमारे अलावा भी आप अपनी तैयारी अवश्य कर लें। इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे प्रश्नोत्तर उपलब्ध करा दिए हैं, देखते जाएं यहाँ पे ये चल ही रहे हैं अभी। इसके अलावा कुछ संधि समास के और बात होगी, जैसे ये देखिए कर्त कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदलना है तो ये देख लीजिएगा, देखिए इसमें से जितना जो कुछ आ जाए, मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे आपका जो अध्याय 1, 2, 3 और 5 था ये कवर करा दिया है, देख लीजिए ये मूल शब्द इसमें क्या है, प्रत्यय क्या लगा है, पथ्यतम सहिष्णुता अग्नित्वम स्त्रत्वम लाघवम, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा ये लिखा है, नीचे भी आंसर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर एक पदयन उत्तर, रसभा कुत्र पता दुर्बल सुते कस्य अधिका कृपा भवंती, कयो एक शरीरेण दुर्बला आसीत चंडवातेन मेघे रेशा, ये पूरा है। देखें बच्चों संस्कृत बहुत ही सरल लैंग्वेज होती है, संस्कृत में थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो मदद बन सकी मुझसे मैंने कर दी है, मगर आप अपनी मदद स्वयं करें। ये देखिए ये सही जोड़ी, ये है ये स्तंभ का और खा का मेलन करने के लिए आया था, तो ये देख लीजिएगा सारे के सारे ये हैं आपकी सही जोड़ी आ रही हैं यहाँ पे। फिर ये फिर से प्रश्न उत्तर आ गया यहाँ पे, ये पूरा देखिए ये इसमें आपको तम और ये पूरा बताना था कि ये कैभ्य दुर्बल, तो ये पूरा है यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। फिर इसके बाद देख लेंगे संधि विच्छेद, ये पूरा है, तथा बबलसी नवोत्थत, ये पूरा लिखा हुआ है, मैंने स्पीड में निकाला है, आपको रोक रोक के वीडियो इसके स्क्रीनशॉट लेके इनको तैयार कर लीजिएगा। और मैं फिर से आपसे बोलूँगा अगर आपके पास गाइड नहीं है तो ही आप हमारे इस वीडियो की मदद लें, अदरवाइज़ आप अपनी खुद की तैयारी खुद कर लें। अगर आपके पास गाइड है तो आपको बिल्कुल समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, ये देख लीजिए आप, ये पूरा है। मिलते हैं बहुत जल्द सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो को पसंद कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गुड बाय।